सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू द व्लॉग। और यार बहुत लेट हो चुके हैं, 7:26 हो रहा है और 8:30 से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, अभी तक कुछ रेडी हुआ नहीं है। कुणाल पड़ा हुआ है, सो रहा है और हम अरेंज करने में ही लगे हुए हैं यार। अभी तक बहुत इम्पोर्टेंट है यार। गाइस यार एक्चुअली कल रात में नियर अबाउट 2 हो गया था एडिटिंग और अपलोड करने के साथ साथ, तो कल बहुत लेट सोया हूँ इसलिए आज इतना लेट हो गया। वैसे ऑल दो नाउ आई एम रेडी एंड बस ग्रीष्मा का वेट कर रहा हूँ कि वो बस एक बार बोल दे कि सी इज रेडी एंड विल जस्ट लीव, क्योंकि 8:30 से प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा एंड इट्स लाइक 7:50। सेट और सीधा प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं, बस उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा हो। राइट गाइस, ये लड़का ना मेरे को धोखा दिया है, 2:30 तक बैठ के पढ़ के आया है और कुछ नहीं आता है, जाके ये प्रेजेंट करेगा। गाइस एडिटिंग किए हैं भाई, हम सुबह सुबह सबको बताए भी हैं। झूठ बोल रहेगा। नहीं यार हम एडिटिंग किए हैं बस, ज्यादा कुछ एक बंदा बोलना चाहिए वहाँ, प्रोजेक्ट हो जाए। गाइज नहीं है, 2:30 तक एडिटिंग ही चला है और सब कुछ अपलोड करने के बाद बस बैक टू कॉलेज। अभी मॉर्निंग 4 आवर्स का स्लीप भी हुआ है, बस 4 आवर्स का हुआ है। तू तो कब से सोया हुआ है बता? कब से? हाँ 12 बजे से सो रहा है। तू 4 घंटा सोया? मैं 6 घंटा सोया बस। 6 घंटा गाइज यार, मतलब अब क्या ही बोल सकते हैं, अब इस मानुष को बिलीव ही नहीं करना है कुछ भी। ये होता है ब्लॉगर्स का लाइफ। ठीक है गाइज, अभी सीधा अब आएंगे 2 घंटे बाद, क्योंकि इनसाइड कोई कैमरा अलाउड नहीं है। बाय। गाइस यार हम उम्मीद करके गए थे कि हमारा जल्दी जल्दी हो जाएगा और सब खत्म, वी आर डन, लेकिन यार यहाँ तो अलग ही लफड़ा चल रहा है यार, कोई आया ही नहीं अभी तक। अब बोला कि भाई नहीं हो पाएगा, पहले थोड़ा सा चूरा खाया, फिर हम लोग मूंग खाए एंड देन शिफ्ट टू बटर मिल्क, बट देन आर स्टमक से भाई गेट अप एंड गो। या सो प्लीज कंपनसेट, ओके, एंड आफ्टर आवर प्रोजेक्ट इज डन उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपना डे 2 के बारे में, जो डे 1 कैसा रहा ये भी पूछेंगे, और अगर कोई पार्टिसिपेट किया हो तो जरूर कमेंट डाउन कर देना, ठीक है। तो गाइज हो गया हमारा सब कुछ खत्म यार, एक्सप्लेन करना ही नहीं चाहते हैं इस पार्ट में यार, इतना गंदा। मतलब यार 9 बजे से क्या बच रहा है, अभी 12:40 तक हमारा चला है यार, बताओ। बहुत थक गया गाइस, मतलब इतना थका, मतलब वो फिजिकल वाला नहीं यार, मेंटली बैठे यार, मतलब। और दूसरा बात, कितना गंदा हुआ है यार, जो मेन चीफ गेस्ट थे ना वो इतना अच्छा सब कुछ हुआ, मतलब लाइक अच्छा था, अच्छा रहा, बट व्हेन इट केम टू आर ओन फैकल्टीज पोपट कर दिए, दे वोंट लिसन ओनली, सो इट्स अ ग्रेट टाइम। क्या हुआ ना, सुबह से वो लोग भी क्या बोलते, सुनते जा रहे हैं, अब हम लोगों के पास भी एनर्जी नहीं है सुनने के लिए, उन लोगों के पास भी एनर्जी नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं ऐसा, क्या बोल सकता है कुछ नहीं, शॉर्ट फॉर्म में पोपट हो गया। और हाँ गाइस, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो है डे 2। आज क्या है? डे 2। ये आज है डे 2 यार, इसको याद था, मेरे को लगा याद नहीं होगा, भूल गई होगी। तो यार देखो, डे 1 तो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहा, इतना ज्यादा प्रोडक्टिव आज तक का दिन नहीं था, और यू बिलीव इट और नॉट? या आई डू बिलीव इट, कस के बोलना। या आई डू बिलीव इट। तो यार अब डे 2 में क्या है ना, कि अभी तक तो हम कॉलेज में हैं, बट चैलेंजेस, सो वी हैव टू डू इट, माइट बी विल टेक थोड़ा रेस्ट और फिर शुरू करेंगे, बट हाँ सुबह से एक ही चीज पे बैठेगा ना, किसी का भी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगा, विल कम बैक, या विल कम बैक स्ट्रॉन्गर एवरी डे, यस वी कैन डू इट, यस।
व्हाट? कुछ नहीं गाइस, अच्छा आ रहा है सब कुछ? हम दिल्ली पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, उतना भी नहीं। नहीं नहीं ठीक है गाइस, एक्चुअली अब हम दोनों एक साथ फ्रेम में आ रहे हैं और रख दिए मोबाइल को इस तरफ इसके लिए, क्योंकि हम ये चीज प्रॉमिस किए थे कि आज हम बताएंगे 120 डेज चैलेंज क्यों है। तो शुरू करते हैं ग्रीष्मा से, देखते हैं ग्रीष्मा क्या बोलती है। बेसिकली 120 डेज का चैलेंज इसलिए है क्योंकि हमारा प्लेसमेंट आने वाला है और यूट्यूब में भी क्या बोलता है रोज काम डिले होता जा रहा है, डिले होता है। कितना दिन ऐसा प्रोक्रेस्टिनेट करेगा खुद को? अब तू ही तेरे को पुशअप नहीं करे तो कौन करेगा? इसलिए ये चैलेंज लिया है कि वी हैव टू स्ट्रेंथन अप डे बाय डे। शी हैज गॉट अ गुड पॉइंट गाइस, एंड बिलीव मी अगर अभी भी कोई शुरू करना चाहता है जस्ट ज्वाइन इन एंड वी आर गुड टू गो। क्योंकि अब बात क्या है ना, वी आर इन थर्ड ईयर और ऐसा है कि इन आर कॉलेज कंपनीज वोंट गिव सो गुड पैकेजेस, राइट? सो अब हम लोग को अगर वी वोंट पुश आर सेल्स और अगर हम लोग खुद से मेहनत नहीं किए तो लेट्स सी। कुछ प्लान है, बेसिकली कुछ प्लान है जो 120 डेज के आफ्टर ही रिवील कर सकते हैं। वो प्लान है, वो सब आपके लिए भी सरप्राइज होगा अगर खुदा करे कि खुदा ना खास्ता कि उस लेवल पे पहुंच गए तो बहुत बढ़िया। आप लोग के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है और वो इतना बड़ा होगा यार कि बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, मतलब बस बहुत बड़ा होगा। तो 120 डेज चैलेंज इसलिए है, तो यार आपको जिस पे काम करना है, जिस पर्टिकुलर डोमेन पे काम करना है, यू आर लाइक कर ले यार। 120 दिन मिल रहा है ना हाथ में, एक दिन भी वेस्ट ना कर। टाइम जाएगा, आप कॉलेज में हैं, आप स्टूडेंट हो या जो भी हो यार, आपका टाइम जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा। बट इट्स नॉट लाइक कि यू विल जस्ट वेस्ट योर एंटायर टाइम इन अ डे। लाइक 24 आवर्स होता है, 24 आवर्स होता है, 26। हाँ भाई, हमको लगा 26 आवर्स होता है। तो ठीक है गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी आएंगे और आपका जो काम है आप लोग भी चैलेंज लेके। और हाँ प्लीज यार कमेंट डाउन कर दो अगर कोई कर रहा है, और कोई नहीं किया तो कोई नहीं हम लोग ही कर देंगे, हम लोग ही करेंगे, बस बी ए पार्ट ऑफ दैट। ओके एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर 120 डे। इट्स डे टू। गाइस यार बैक टू रूम, और अब करेंगे मिमी क्योंकि कल रात में सो ही नहीं थे, और सब ग्रीष्मा भी अपने रूम चली गई है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं शाम। तो गाइज आज का दिन उतना प्रोडक्टिव तो नहीं रहा, बट हाँ ठीक है कुछ एक्सटेंड तक प्रोडक्टिव था। और आज सो के ही उठे हैं यार बहुत लेट, लाइक 8 o'clock को सो के उठे हैं इवनिंग पे, और खाना भी नहीं हो पाया यार आज क्योंकि मिला ही नहीं। और ग्रीष्मा का हेल्थ शायद उतना अच्छा नहीं है, तो ठीक है मिलते हैं कल। इसी नोट पे करते हैं इस ब्लॉग को समाप्त, और उम्मीद करते हैं कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन अनदर ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, सी या।